वो पद्म सिंह पटोड़ी कटवा मुल्ला भड़वा उग्रवादी उग्रवादी ओ उग्रवादी तुझे बाहर देख लेंगे। क्या देख लिया तूने बाहर? पुसी भामो क्या था बाहर आकर? बाहर देखता दानिशाली को कूटता, क्यों नहीं देखा तूने? बात पूछा भाई तू रोया क्यों था? एक रहबर होके रोया क्यों था? रहबर अकेले में रोता है, कौम के सामने नहीं रोता। जब हमारा रहबर रोएगा तो 40 करोड़ मुसलमान अपना को इनसिक्योर फील करेंगे नहीं करेंगे कि एक हमारा चुना हुआ सांसद पार्लियामेंट में जलील हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम करवा रहा है और बाद में आके तस्वीर भर रहा है मुझे रात को नींद नहीं आई। तो ये तरीका है आपका? वो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहा है शेर आया। अबे शेर नहीं हो, छिपकली का दूध पी के जो तुम लोग बड़े हो ना, तो वही तुम्हारी जहनियत है। जैसे छिपकली होती है ना, रेंगती फिरती है, कीड़े को शिकार करती है, वही तुम लोगों के कीड़े मकोड़े हो, कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हो। मुख्यमंत्री हो दिल्ली, नाली के पैदाइश को आप जूता तो मार सकते थे, उठा के जूता खींच के उस पर हवा में उड़ाते ताकि जहाज उसके गंजे सर पे जाके जो है वो लैंड कर जाता, लेकिन नहीं करा। उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी? अरे हमारे संजय सिंह से कुछ सीखा होता तो आपने सही कर। और जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को कहते हैं कि बीटी में और सीटी में इकलौता मुसलमानों का एक ऐसा नेता है, मुझे नहीं मालूम कि 40 करोड़ उनको नेता मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा सांसद है जो हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाते हैं। लोग ये भी कि नू मेवाते धर्म की आड़ पर इन्होंने किस तरह मुसलमानों को मारा, हम क्यों नहीं कहेंगे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये किस तरह कभी आदिवासी को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को टारगेट करते? तुम तो देखिए कि जिस तरह एक चुने हुए सांसद के ऊपर एक तरह का कहिए कि प्रहार करा जाता है, गालियों की बौछार करी जाती है। चलिए अगर दानिश अली को गालियां देनी थी आप पर्सनली उनको गाली दे सकते थे, लेकिन जो गालियां दी गई वो तमाम मुस्लिम समाज को दी गई। मुस्लिम समाज को कटहरे में खड़ा करा गया, मुस्लिम समाज को कटवा मुल्ला भड़वा दल्ला उग्रवादी, मतलब इस तरह के लफ्ज थे जो हम सड़कों पर सुन रहे थे। और वो मोदी जी का जो ख्वाबों का महल था, जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान का मंदिर था, आप जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ आप तमाम गंदगी को बाहर रख कर जाते हैं, इवन जूते भी बाहर उतार कर जाते हैं, लेकिन वहाँ संविधान का मंदिर, जहाँ ये संविधान ही ले जाना भूल गए थे, मोदी जी का वो मंदिर जो मोदी जी ने 25,000 करोड़ की लागत से बनवाया और ज़बरदस्ती स्पेशल सत्र लगाया, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आया ये जो स्पेशल सत्र है ये क्यों बुलाया गया, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है ये स्पेशल सत्र इसलिए बुलाया गया था कि सन 2024 में इनको दिखाना था कि देखो हम मुसलमानों को किस तरह मार रहे हैं, चुन चुन कर चिन्हित कर रहे हैं, अब देखो हम पार्लियामेंट में भी एक चुना हुआ सांसद जो लुच्चा लफंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैंने तो उसका नाम पद्दू सिंह पटोड़ी रख दिया है, वो मुंह से बकवास करता है और जिस तरह दानिश अली को गाली देता है और पीछे बैठे हुए जमूरे हा हा ही हू हू कर रहे होते हैं, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। एक सांसद तो वो थे जो कभी आप ही देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, एक कानून मंत्री थे, यानी कानून भी हंस रहा था, स्वास्थ्य मंत्री भी हंस रहा था और वो जो आदमी था वो आराम से गाली गलौज कर रहा था। हमारे स्पीकर साहब जो इस बात पर मतलब हर बात पर चुल करते हैं, हर बात पर डांटते हैं, वो भी आराम से सुनते रहे। उन्होंने उस पद्दू सिंह पटोड़ी को नहीं कहा कि ओ आदमी, ओ गंदगी, ओ सीवर की पैदाइश, तू बोल किसके बारे में रहा है? और बाद में जब ये वीडियो इंटरनेशनल वायरल हुई तो सिर्फ एक ही सभ्य नागरिक है, एक ही सभ्य मैं कहती हूँ कि MP हैं, जो इन्होंने अपोलोगाइज करा, राजनाथ साहब ने कहा कि हाँ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टीमेटम दिया और उससे पूछा पद्दू सिंह पटोड़ी से कि 15 दिन का हम नोटिस दे रहे हैं, तुम बता। हाँ जो भी नहीं ना, विदोड़ी विदोड़ी नाम नहीं है, ये छिपकली का दूध पी के बड़ा हुआ है, इसने माँ का दूध नहीं पिया। जो छिपकली का दूध पीते हैं वो ऐसे गंदे लोग होते हैं, इनको दूध नहीं मिला होता, ये तमाम के तमाम ये गटर के कीड़े हैं जिनको यही नहीं पता कि संविधान क्या है, इंसानियत क्या है, मुसलमान क्या है। कभी दलितों को मार देते हैं, कभी मुत्तन शुक्ला जैसे इन्हीं के नेता आप देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुंह पर मूत रहे होते हैं। और अब हद ये हो गई कि पार्लियामेंट में जिस तरह दानिश अली को गाली दी गई, तो यहाँ मैं दानिश अली साहब आपको भी एक तरह से मैं आपको भी रडार पे लूंगी, आपकी भी गलती है, आपके पास पावर थी, अगर वो आपको 3 गाली दे रहा था 7 गाली आप देते, आपके पास सबसे बड़ी चीज जूता था, गंदगी को गंदगी से साफ करते हैं। उस हमारे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो हर बार देखिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं। और मैंने देखा कि मेरा ओखला, मेरा जामिया इस्लामिया, जहां पर कुंवर दानिश साहब के दहेज में मिले हुए 700-800 लोग हैं, जिससे पूछो दानिश
सब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे भतीजे हैं, तो वो दहेज में मिले हुए लोग ट्रकों में भर के क्यों नहीं गए? संसद का घिराव करते, वहाँ पर सवाल करते, संसद से निकलना ही नहीं चाहिए था, वहीं बैठ जाना चाहिए था दानिश साहब आपको। और आपने क्या ब्लंडर मिस्टेक करी? आप रोकर दिखा रहे हैं लीडर को, आपने रोते हुए देखा है? आप तो रहबर थे, 40 करोड़ मुसलमानों को आपकी वजह से गाली दी गई और आपका जमीन नहीं जागा। आप आराम से कह रहे मुझे रात को नींद नहीं आई। अरे अगर वाकई आप लीडर थे, रहनुमा थे, तो दानिश साहब आपको इस्तीफा मुंह पर फेंक के मारना चाहिए था, ये कौम आपको सर पर उठाकर रखती। लेकिन आपको भी शायद कहीं ना कहीं लालच था, आपको भी लगा रहे गाली तो मुसलमानों को दिए, हम तो बेशरम है, हमारे साथ तो गाली गलौज चलता ही रहता है, लेकिन हमारी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। इस्तीफा दे देंगे अगर कब दे देंगे, कब दे देंगे इस्तीफा? तो उसी दिन देना, दे देना चाहिए था, 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद आप कह रहे दे देंगे, दे नहीं रहे। आपको इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था। और आप यकीन करिए अगर आप उसी दिन जवाब देते, आप कहते कि बात मेरे पे आती, दानिश अली को गाली दी जाती तो मैं सह जाता, आप ये बोलते, लेकिन बात मेरी कौम पर आई है, मेरे दीन पर आई है, मेरे इस्लाम पर आई है, मेरी कम्युनिटी पर आई है, तो लात मारता हूँ मैं ऐसी सदस्यता को, तब भारत की कौम आपको सर पे लेकर चलती। तमाम लोग जो असुद्दीन वैसी और साहबुद्दीन को याद कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों का सदन होना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल होना जरूरी है। आप बहुत सही कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करा, बिल्कुल सही कहा। हमें मालूम है जिस पार्टी में बलात्कारियों को संस्कारी बना दिया जाता है, हमें मालूम है कि बड़े बड़े कांड करने के बाद गोली मारो सालों को, उनको उन्नति दे दी जाती है, तो 101% इस आदमी पद्दू सिंह पदौड़ी को भी या तो डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि इनके लिए तो ये आम बात है। मुझे तो लग ही रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्पेशल सत्र इसीलिए सजाया गया था, बाकायदा लिख कर दिया गया था कि आखिरी दिन आखिरी मिनटों में तुम्हें मुसलमानों को गाली देनी है ताकि हम एक टेरर की राजनीति करें। और आप देखिए ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है हमारा नेता पद्दू सिंह पदौड़ी, क्योंकि इनको पता है गंदे लोग हैं, ये गालियां देते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों की इज्जतें लूटते हैं, तो ये हीरो कहलाते हैं। ओम बिरला ने कहा है कि अगली बार ऐसे मत बोलना, कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ओम बिरला साहब को मैंने यही तो कहा, डर गए, डरिए मत, डर गए। अरे आप ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राहुल गांधी से यही बोला गया था। मतलब जब आप कहें कि डरिए मत, डरिए मत, आप उस लफ्ज पे तो बड़े कूद कूद के बोले थे कि ना ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वो पद्दू सिंह पदौड़ी, कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी, उग्रवादी, ओ उग्रवादी, तुझे बाहर देख लेंगे। क्या देख लिया तूने बाहर? फुसी बम हो गया था बाहर आकर, बाहर देखता दानिश अली को कूटता, क्यों नहीं देखा तूने बाहर? बाहर आके तो तू फुसी बम हो गया, कहता ना बाहर नहीं बोलूंगा। तो स्क्रिप्टेड इसको बुलवाया गया है, नागपुर से पूरा सर्कुलेट आया है, गुफाओं से इसको मैसेज मिला है कि 24 जीतना भारी पड़ रहा है और 24 हम फिर मुल्लों के नाम पे ही जीतेंगे, इनके ऊपर ही जहर उगलेंगे। कह रहे हैं कि जी मत लगाइए भगवा गेंडे के आगे, जी मत लगाइए। देखिए देखिए, एक कुत्ता पार्लियामेंट में भौंक रहा था, दूसरे कुत्ते बाहर भौंक रहे थे कि हाँ हम भी कुत्ते, खानदानी कुत्ते, कल भी कुत्ते, आज भी कुत्ता, कल भी कुत्ते रहेंगे। नहीं, वही वही आपका भगवा गेंडा जो खुद को कहता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ। सुदर्शन चैनल का मालिक भगवा गेंडा, नफरती आतंकवादी, उसके जाकर पोज देखिए, तलवारें लहरा रहा है, ये कर रहा है, ये तो खुद एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एक इंसान का, एक पत्रकार का काम होता है कि आप समाज में से गंदगी साफ करें, आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, आप मुल्क के लिए काम करें, आप कम्युनिटी के लिए काम करें, आप देश हित के लिए काम करें। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो तो कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? हाँ तो हम भी तो कह रहे हैं, भगवे को भगवे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नफरती चिंटू नहीं कहेंगे? बलात्कारियों को बलात्कारी क्यों नहीं कहेंगे? भारतीय दंगा पार्टी क्यों नहीं कहेंगे? भारतीय बलात्कारी पार्टी क्यों नहीं कहेंगे? हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये तमाम पार्टी बलात्कारियों की है? हम क्यों नहीं कहेंगे कि मणिपुर में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने किस तरह वहां पर ईसाई लड़कियों का गैंग रेप करा? हम क्यों नहीं कहेंगे कि नू मेवाते धर्म की आड़ पर इन्होंने किस तरह मुसलमानों को मारा? हम क्यों नहीं कहेंगे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये किस तरह कभी आदिवासी को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को टारगेट करते? तुम तो बड़ा देशहित करते हो। भारत माता की जय। अबे भारत माता की जय है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, आपने उनको बुलाया पार्लियामेंट में? नहीं बुलाया। जब इनॉग्रेशन हो रहा था जब नहीं बुलाया, जब पार्लियामेंट में एंट्री हो रही थी नहीं बुलाया। डिजिटल तवायफ सारी नाच रही थी, सारी मीडिया की टिकटॉकर तवायफ नाच रही थी। कह रहे हैं कि जो हबीबी लोग जो आए थे
उन लोगों के पास वीडियो भेज दीजिए डब करवा कर मोदी जी। नहीं तो वो तो जाहिर सी बात है, 57 मुसलमानों के मुल्क हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मस्जिद को जलाया जा रहा है, कुरान को फूका जा रहा है, दाढ़ी टोपी को टारगेट करा जा रहा है, मुसलमान औरतों के हिजाब को नोचे जा रहे हैं, और वो 57 मुल्क वल्ला हबीबी कर रहे हैं सिर्फ अपने कारोबार बढ़ाने। तो असदुद्दीन उवैसी साहब ने सही कहा, और जो लोग असदुद्दीन उवैसी कहते हैं कि बीटी में और सीटी में इकलौता मुसलमानों का एक ऐसा नेता है, मुझे नहीं मालूम कि 40 करोड़ उनको नेता मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा सांसद है जो हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाते हैं। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि बिदूरी ने भाजपा की पोल खोल दिया, जो लोग सड़कों पे बोलते थे अब वो संसद में बोल रहे हैं, उन्होंने असली चेहरा दिखाया कि भाजपा तो हम के बारे में सोच नहीं, तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि सड़क से संसद तक की एक ही लैंग्वेज है। पहले अब ये देखिए कि आम मुसलमान के साथ, आम दलितों के साथ, आम आदिवासियों के साथ ये क्या करते होंगे जब ये संसद में जाकर चुने हुए सांसद दानिश अली को इतनी गालियां दे रहे हैं और उसके साथ पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं, और द्रौपदी मुर्मू को इसलिए पार्लियामेंट में अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो बेवा थी। तो बनाने से पहले नहीं सोचा था जब उनको आप बना रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना रहे थे कि वो बेवा है नहीं? अरे सुहागन को बनाया होता तो आप एक तरफ तो भारत माता की जय, दूसरी तरफ आप ही देखते कि आपकी माता जो है वो बेवा है कि शादीशुदा है। तो ये गलत है, यहाँ पर आप ये देखिए कि पूरा का पूरा पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें असदुद्दीन उवैसी को भी पाकिस्तानी कहा जा रहा है, साहबुद्दीन साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या लग रहा है कि मेरे भाई या लोटर भेजना चाहिए संसद में? मेरे भाई अभी आए होगा दुनिया में उठकर, ये तो हम तो सन 2014 के बाद लगातार हमारे तो हर बड़े नेता को, हर बड़े एक्टर को पाकिस्तान का वीजा कटवाया जा रहा है, चाहे असदुद्दीन उवैसी हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे अहमद रिजवी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे तुम जैसे बड़े पत्रकार भी हो, उनको भी सबको पाकिस्तान का वीजा दिया जाए। जब भी तुम हक की बात करोगे, जब भी तुम इस सरकार के जुल्म को दिखाओगे, जब भी तुम देश हित में बात करोगे, तुम्हें फ्री में वीजा दिया जाएगा, जा मुल्ला पाकिस्तान जा, जा मुल्ली पाकिस्तान जा। लेकिन भाजपा में जो मुस्लिम सांसद हैं वो क्यों खामोश हो, तो बोल ले रहे हैं। भाजपा के सांसदों की आपको टेंशन है, दूसरी पार्टी के मुस्लिम सांसद बोले जाकर सब सेल्फियां खिंचवा कर आ रहे हैं दानिश के पास जाकर। अरे क्या खिंचवा कर आ रहे हो? उससे पूछा भाई तू रोया क्यों था, एक रहबर होके रोया क्यों था? रहबर अकेले में रोता है, कौम के सामने नहीं रोता। जब हमारा रहबर रोएगा तो 40 करोड़ मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, नहीं करेंगे कि एक हमारा चुना हुआ सांसद पार्लियामेंट में जलील हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम करवा रहा है और बाद में आके टस में बार रहा है मुझे रात को नींद नहीं आई। तो ये तरीका आपका, आप चुने हुए सांसद हैं, सांसद हैं जिनकी आवाज जनता उठा रही है, जबकि जनता की आवाज नहीं उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। ये हमारी भारत की बदनसीबी है, हम पॉलिटिक्स में जब हमारे किसी चुने हुए सांसद पे, विधायक पे, काउंसलर पे कोई भी बात आती है हम उसकी आवाज उठाते, लेकिन बाद में मलाई ये अकेले खाते। सेटलमेंट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका, लिख के रख लीजिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ सेटलमेंट करेगी 1000 करोड़ 2000 करोड़ और ये चुप हो जाएंगे, वो जनता को नहीं देंगे पैसा। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं शुरू रहे थे लेकिन उसी सदन में मैं कह रही थी तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, अब बावला है क्या बे? तू नहीं देखा रोते हुए मुख्यमंत्री? क्या आप कह रहे तुमने नहीं देखा रोते हुए लोगों को मुख्यमंत्री? तो कैसे बावला है? योगी जी रोए थे ना उसी संसद में। तो योगी इनकी इनसे क्या मुकाबला करते हो यार तुम, योगियों से टोगियों से इनसे क्या मुकाबला है? वो हमारे इस्लाम का मुसलमान का जाबाज सिपाही था, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि रहबर रोए, रहबर अकेले में अपनी गलतियों को कफारे की तरह अदा करके अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने रोता है, मेरे रब मुझसे ये गलती हो गई। कौम के सामने नहीं रोता। अगर आप हमारे सामने रोगे तो सोचो हमारा क्या हाल होगा, 40 करोड़ मुसलमान कितना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करेगा कि हमारा नेता, हमारा चुना सांसद करके रो रहा है तो हमारा क्या हाल होगा? अच्छा आप सदन में होती तो क्या करती? चप्पल निकाल के कुत्ता बनाकर आती, विदोड़ी का गिरेबान पकड़ के उसको ऐसे कर दे पटक। होती तो सही सांसद में, इनका वो भूत उतारती कि सात पूछते उसकी गंजी पैदा होती, आधा गंजा तो वैसे भी है, उसके बाद कोई बाल ही ना होता उसकी, मुझे करके तो देता, टच करके तो देखता, फिर मैं बताती उसको। कह रहे कि उसको उकसाया गया है तब विदोड़ी। हाँ छोना कक्का अम्मा के कोख में था क्या? पदोड़ी सिंह पदोड़ी अम्मा के कोख में से झांक के देख रहा था, हाँ कि क्या हो रहा है, अम्मा के कोख में था क्या, भड़काया गया है? अरे पागल सारे के सारे मोदी, तुमने देखा, तुमने भी देखा, वाह मेरी जान वाह। मुझे लगता है कि तुम भी वही हो, पैसे लेकर वीडियो बनाने आ गए हो, तुम सारे गोदी पत्रकार हो, पैसे ले लेके करते हो। मोदी जी ने जो 100 चैनल खरीदे जरूर तुम भी, क्या नाम है अंधेरे में दिख नहीं रहा, कानूनी कार्रवाई होगी ना? कानूनी कार्रवाई क्या मतलब? तुम मुझे गाली दो, मुझे काट दो, बाद में कानूनी कार्रवाई होगी।
तो हम भी थप्पड़ मार देते, कानूनी कार्रवाई के लिए हम भी तैयार रहते। बुला पद्दू सिंह पदौड़ी को चप्पलों से घूसों से उसके खातिर करती है हमारी महिला जो एक टीम है, फिर हम भी कहेंगे चलो हमारे पे कानूनी कार्रवाई कर लो। क्या चाह रही है सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तुम ही लोग तो थे जब राहुल गांधी की एक स्पीच पर क्या कहा गया था कि मोदी नाम के सारे चोरी क्यों होते हैं, तो किस तरह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी गई थी। अबे अंधे थे क्या तुम क्यों नहीं चला रहे वाली बात, पता तो होगा तुम्हें। जब राहुल गांधी की एक स्पीच में सिर्फ इस डायलॉग पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है कि आया मोदी नाम के चोर क्यों होते हैं, तो यहाँ तो वो पूरी कौम को गाली दे रहा है। वो भड़वा दल्ला कटवा मुल्ला उग्रवादी बाहर देख लूंगा, तो यहाँ पर सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर विदुरी जी आपको सुन रहे हो तो क्या कहेंगे आप? अगर वो नहीं, वो अरे इंसान इंसान की बातें सुनता है, वो गुफा में पड़ा हुआ होगा, वो तो नागपुर से मैसेज ले रहा होगा आका अगला काम क्या करूं, अभी तो वो ट्यूटर पर ट्रेन करा रहा है, शेर आया। अबे शेर नहीं हो, छिपकली का दूध पी के जो तुम लोग बड़े हो ना, तो वही तुम्हारी ज़हनियत है। जैसे छिपकली होती ना रेंगती फिरती है कीड़े को शिकार करती है, वही तुम लोगों के कीड़े मकोड़े हो, कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हो। मुख्यमंत्री है दिल्ली के लोग बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ख्वाब है हमारे, केजरीवाल 15 साल तक नहीं जाएंगे, फिर कबर में बैठा हुआ होगा, देखता रहे ख्वाब ना कबर में बैठा, 80 जल जाएंगे इसकी। मुख्यमंत्री है, तुम जैसे लोगों ने तो उसको मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, उसको तो मुखाग्नि मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो तुम? देखिए सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जब संसद में जब बातें होने लगी, क्योंकि जब टोपी पहने हुए दाढ़ी लोगों को मार दिया जाता है, तो वैसी साहब को तो आज तक किसी ने नहीं कहा। वैसी साहब भी उसी संसद में दहाड़ते हैं, उनके ऊपर भी ये नफरती चिंटू भौंकते हैं। वैसी साहब क्या कहते हैं, चुप कर बैठ जाओ। ओ पहले मेरी बात सुनो, वो वैसी साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जाबाज है, दीदार है, उनको पता है कि हाँ किस तरह संसद के रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करना है। उनको कहते भाजपा से मिला हुआ है। मुसलमान ही तुम ही कहते हो, हम तो मैं तो नहीं कह रही, तुम लोग ही चलाते हो, तुम लोग पकड़ के ले आते हो नैरेटिव, एक एजेंडा सेट करते हो, दो दो कौड़ी के लोगों को लाके तुम सोशल एक्टिविस्ट बना देते हो, किसी को कुछ बना देते हो, किसी को अपने साधु बना देते हो, किसी को योगी लगा देते हो, उनसे तुम नैरेटिव सेट करवा के बुलवाते हो कि ये को वो को। कोई नहीं है वो एजेंट, तुम लोगों ने उनको एजेंट बनाया है।